सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं आशीष हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको रूबरू कराऊंगा शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से, लेकिन शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। चलिए आपको रूबरू करा रहे हैं दिन भर की खबरों से। अंधश्रद्धा विधेयक को हिंदू द्रोही करार देकर हिंदू जन जागृति समिति ने सरकार के कानों तक विरोधी आवाज को पहुंचाने घंटानाद आंदोलन किया। इस वक्त चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को भी व्यापक प्रतिसाद मिला। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से गुरुवार को घंटानाद आंदोलन कर सरकार को जगाने की चेष्टा की गई। अंधश्रद्धा विधेयक के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। जन जागृति के तहत चलाए गए आंदोलन में सैकड़ों धर्माभिमानी सहभागी हुए। गाड़गे बाबा समाधि मंदिर पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक आंदोलन हुआ। आंदोलकों के मुताबिक हिंदू धर्म के प्रति द्वेष विधेयक में स्पष्ट हुआ है। कुछ नवमतवादियों के प्रस्ताव पर कानून बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर कानूनन अन्याय होगा। सत्यनारायण की पूजा, वैभव लक्ष्मी व्रत, नारायण नाबालिग की पूजा व पुस्तकों पर कानूनन पाबंदी लगेगी। वारकरी मंडली के कीर्तन पर भी बंदी के संकेत है। तांत्रिक व मांत्रिक के खिलाफ कानून रहने का दावा किया जाता है। प्रत्यक्ष में धर्म पर आघात करने के लिए विधेयक बनाया गया है। धार्मिक संस्था, संप्रदाय, मंदिर ट्रस्टियों पर आसानी से अपराध दर्ज हो गए। मुस्लिम व हिंदू धर्म में जारी परंपराओं व विधि कानूनन बंदी आ सकती है। पैदल पंडरपुर वारी व जैन समाज के उपवास पर बंदी हो सकती है। सभी धर्म ग्रंथों पर भी पाबंदी लग सकती है। इस मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। कुछ नास्तिक लोगों की सिफारिश पर कानून बनाया जा रहा है। ख्रिस्ताब्द 2011 जादू टोना व नरबलि विरोधी अभियान के नाम पर विधेयक बनाया गया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद विधेयक पारित करने की कोशिश हो रही है। यह पृष्ठभूमि रखकर बुरोले महाराज के हाथों आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आंदोलन में किरण दुसे, नितिन व्यास, गिरीश कुमेरवार, मानव बुद्धदेव, एडवोकेट राजेंद्र पांडे, सुमन वानी, डॉक्टर रमेश वरुडकर, छाया टवलारे, अरुण रोकड़े, मिलिंद साकरे, संकेत टवलारे, अमोल जगदाले व आदि कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधीश कार्यालय में पिंडाल लगाकर राम नाम जप करने की अनुमति प्रशासन से मांगी है। विहिप अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनवाने फिर सक्रिय भूमिका में उतर आया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठन सक्रिय हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को प्रशासन को निवेदन सौंपकर पेशों पेश में डाला है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र जाप की अनुमति मांगी है। विपिम के ज्ञापन अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का संकल्प किया गया है। 13 करोड़ विजय मंत्र जाप गुड़ी पड़वा से अक्षय तृतीया तक किया जाएगा। इसका श्री गणेशा जिलाधीश कार्यालय परिसर में करने की अनुमति मांगी गई है। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कार्यक्रम की जाप पत्रिका भी नत्थी की है। धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग की अभिलाषा व्यक्त की है। ज्ञापन सौंपते वक्त जिलाध्यक्ष विजय शर्मा, हरिओम अग्रवाल, अनिल साहू, गणेश किल्लेकर, चंद्रकांत दामानी, शरद अग्रवाल, प्रवीण गिरी, प्रदीप मुदगल व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से निवेदन पर कोई टिप्पणी व आश्वासन नहीं दिया गया। भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम जय राम जय जय राम यह विजय मंत्र के जाप करने का
कार्यक्रम आगामी वर्ष प्रतिपदा से अक्षय तृतीया तक 33 दिन तक चलने वाला है। भारत यह भूमि शुरू से ही संतों की पावन भूमि रही है और इस भूमि पे मंदिर निर्माण हेतु जो देर सरकार द्वारा की जा रही है वह बर्दाश्त नहीं। आज हम माननीय कलेक्टर साहब के पास में यह निवेदन देने आए थे कि मंदिर निर्माण हेतु जो हम श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का 13 करोड़ की संख्या में जप करने जा रहे हैं, उस जप की शुरुआत गुड़ी पाड़वा के दिन से हम जिलाधिकारी प्रांगण से करने वाले हैं। ऐसा हमने उनसे अनुमति की मांग की है कि यह जप हमको आपके प्रांगण में करने दे, क्योंकि अगर कल यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को हिंदू के आराध्य दैवत श्री रामचंद्र जी की मंदिर निर्माण के लिए उनके श्री राम जय राम जय जय राम यह विजय मंत्र का जप करने से कौन रोक सकता है। हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम उनसे अनुमति लेने के लिए आए हैं कि हमें यह जप की शुरुआत अमरावती में आपके कार्यालय से शुरू करने दे एवं आप एवं आपके कर्मचारी स्वयं इस जप में उपस्थित रहकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो बल यह जप करने से मिलेगा उससे भव्य मंदिर निर्माण होगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी इस मांग की ओर ध्यान देवे एवं हमें अनुमति तुरंत प्रदान करें। जय श्री राम। विगत रात नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश के चलते मारपीट की वारदात घटी। इस मारपीट में संदीप मानकर नामक युवक जख्मी हुआ है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के महेंद्र कॉलोनी परिसर में विगत रात पुराने रंजिश से दो युवकों में जबरदस्त फाइटिंग हो गई। आरोपी व्यक्ति ने संदीप मानकर नामक फिरियादी को पत्थरों से पीट कर लहूलुहान कर दिया और उसके जेब से 12,000 नगद और मोबाइल छीन कर भाग गया। उक्त शिकायत पर आगे की जांच हो रही है। डायरेक्ट मैं गाड़ी पकड़ ली कुठे चालला मार झोड केली ते कुठे होते पिऊ 5-6 जण पैसे घेतले 12,000 मोबाईल छिनला गाडी पण छिनली होती गाडी त्यांना चौकात सोडून दिली त्यानं मारलं गुटेनं फटवेनं दगडेनं। शुक्रवार की सुबह शहर के संतोषी नगर में छोटे छोटे बच्चों में हुए विवाद से एक बच्चे ने हत्ती रोग की गोलियां खाकर जान देने का प्रयास किया। 10 से 12 गोलियां खाने से उक्त बच्चे पर इरविन में इलाज जारी है। शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे संतोषी नगर निवासी अशोक अग्रवाल के घर छोटे और बड़े बच्चों में कुछ कहासुनी हो गई। इसी शाब्दिक विवाद में एक लड़के ने हत्ती रोग की 10 से 12 गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद इस बालक को इरविन दाखिल किया गया। गोलियां खाने वाले बच्चे का नाम है अशोक और वह इरविन में अभी इलाज ले रहा है। विभिन्न ख्याति प्राप्त पुरस्कारों से नवाजे गए शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला इस नाटक का मंचन हाल ही में संपन्न हुआ। कईयों ने इस नाटक की सराहना की है। महाबोधि फाउंडेशन अमरावती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ओर से आयोजित विभिन्न ख्याति प्राप्त पुरस्कारों से गौरवित नाट्य शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला का मंचन सांस्कृतिक भवन में किया गया। आपको दिखाते हैं इस नाट्य की कुछ झलकियां। शहर के गोरक्षण में संगीतमय श्री रामचरित मानस रामकथा सप्ताह जारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस यह ग्रंथ समूचे विश्वभर का अभूतपूर्व ग्रंथ है। ऐसा कथन करते सुश्री माहेश्वरी देवी सभी को रामायण का पाठ पढ़ा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस विश्व में अभूतपूर्व ग्रंथ है। रामकथा जीवन की व्यथा से जुड़ी हुई है। हमारे
हर प्रश्न का उत्तर हमें रामचरित मानस में मिलेगा। इस आशय का प्रतिपादन सुश्री माहेश्वरी देवी ने गौरक्षण में आयोजित रामकथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में किया। इस ग्रंथ का आधार लेकर महेश्वरी देवी ने मार्मिक कथन किया कि वे अपने जीवन को दिव्य बनाओ, हमारी वाणी विनम्रता और सत्य से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारी वाणी हमारी सभ्यता व परंपरा का परिचय देती है। भौतिकता के पीछे पड़कर हम प्रभु की प्रभुता को अनदेखा ना करें। हम भौतिकता में चाहे कितना आगे बढ़े, हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। महत्व इसका नहीं कि हम कितना जिए, महत्व इस बात का है हम कैसे जिए। दौड़ रही है जिंदगी और बेहोश होकर जी रहे हैं हम। हम सत्संग जिए, हम प्रभु के होकर जिए, तभी परमानंद की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। यह जीवन क्षणभंगुर है, रहना नहीं देश वीराना है। हम आत्मसमर्पण सीखे, हम झुकना सीखे। किसी ने कहा है कि झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। आपको पता नहीं इतना तो गर्म होना ही पड़ता है, नहीं तो दुनिया तो कच्चा चबा जाएंगी। उग्र वाले यह कहेंगे हम उग्र बन सकते, नहीं तो एक ठंडा रह सकता। छोड़ना पीछा, बोला तो बोला, मारा तो मारा, अपना क्या जा रहा। ठंडा वाला ऐसा बोलेगा, उग्र वाला वैसा बोलेगा, बीच में कोई नहीं होता, बहुत कम होते बीच में जीने वाले। आधार कार्ड के नाम पर सामान्य नागरिकों की लूट हो रही है, ऐसी शिकायत करते यूथ कांग्रेस ने जिलाधीश को निवेदन सौंप इस ओर ध्यान देने की बात कही। शहर में जितने आधार सेंटर है उनमें से कई बंद है। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया निशुल्क रहते भी नागरिकों से पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगे, ऐसी मांग यूथ कांग्रेस ने जिलाधीश को निवेदन सौंप कर की। माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन द्यायला आलो होतो की आधारच्या संदर्भात जो भ्रष्टाचार चालू आहे तो त्यांनी त्वरित रोखावा, तसेच त्यांना UID च्या वतीने व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महानगरपालिका आयुक्त यांना आदेश आलेले आहेत की त्यांनी संपूर्ण आधार केंद्रांच्या चौकशा कराव्या आणि त्यांना 4 दिवसाच्या अंदर अहवाल पाठवावा। परंतु या इथून कोणत्याही प्रकारची या अधिकाऱ्यांतर्फे कोणती कारवाई करण्यात येत नाही आहे। आधार केंद्रातून एकाच माणसाला पुन्हा पुन्हा आधार कार्ड काढून देण्याची सिस्टीम सुरू आहे, त्याकरिता लागणारे आणि त्यांना मिळणारं त्याच्यावर कमिशन हे पुन्हा पुन्हा कमिशन घेत आहे आणि सामान्य नागरिकांपासूनही कमिशन घेण्याचा प्रकार आधार केंद्रांमध्ये सुरू आहे। आम्ही जनतेला आवाहन करतो की त्यांना कुठेही अशा प्रकारचं आधार केंद्रावर पैसे मागण्यात आले तर त्यांनी आमच्या युवक काँग्रेसच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याशी संपर्क साधावा, आम्ही आपल्याला योग्य तो न्याय मिळवून देऊ। पिंपळखुटा ग्राम में जिला सड़क के निर्माण का उद्घाटन स्वयं जिलाधीश ने किया। वह रास्ता आम जनता के लिए एक किसान द्वारा बंद कर दिया गया था। इस बात की सूचना देने पिंपळखुटा ग्राम वासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश से मिलकर घटना की जानकारी दी। आमच्या गावामध्ये पिंपळखुटा येथे कलेक्टर साहेबांनी ज्या रस्त्याचं उद्घाटन केलेलं होतं त्यामध्ये डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न एका शेतकऱ्याने केलेला आहे आणि तो आम्हाला पांदणीला हात लावू देत नाही। ते म्हणतो पांदण माझीच आहे। आम्हाला दुःख हे आहे की ज्या तहसीलदार साहेबांनी कलेक्टर साहेबांनी ज्या उद्घाटन केलं कुठल्याही प्रकारचा कायदा न वापरता आम्ही वारंवार येऊन राहिलो, सांगून राहिलो, आमची कोणी व्यथा ऐकायला तयार नाही। त्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी मी घेऊन आलो त्यांना, आम्हाला पांदणमुक्ती करून द्या, 33 फूट आम्हाला जागा द्या, नसेल त्याच्या शेताची मोजणी करून टाका, पण आमचा रस्ता आम्हाला मोकळा। कामवाली महिला द्वारा 54,000 रुपयों के जेवरातों की चोरी करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने उक्त महिला से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। आरोपी महिला का नाम है विशाखा चौरे, वह सुशील नगर निवासी है। यह महिला राम मालानी इनके यहाँ काम करती थी। उसे क्या कहाँ रखा है सब कुछ जानकारी थी। हाल ही में उसने काम छोड़ दिया था लेकिन गुरुवार को वह मौका देखकर 54,000 के जेवरात उसने उड़ा लिए। ये जेवरात उसने उसके घर के बाथरूम में छिपा कर रखे थे जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है।
जिला अन्नधान्य पुरवठा कार्यालय में आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत विनोद पाचपोहे के भ्रष्टाचारी करतूत से तंग आकर छावा संगठन के पदाधिकारी अंबादास काचोले ने जिलाधीश कार्यालय में आत्मदहन आंदोलन की चेतावनी दी है। विगत 2 माह बीत चुके हैं पर पाचपोहे ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसी वजह से तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी जाने की बात अंबादास काचोले ने कही। भारत की प्रगति में पाकिस्तान से विस्तारित होकर आए सिंधी समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार चेटी चंड को राष्ट्रीय दर्जा देने, सिंधी समाज की भावनाओं की कद्र की जाए, इस आशय का एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया। आजादी के दौर में बड़ी मात्रा में सिंधी समाज ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण ली। अनेक अभावों को सहते संपूर्ण समाज अपने खोए गौरव को प्राप्त करने में जुट गया तथा भारत की चहुमुखी प्रगति में अपना सक्रिय योगदान दिया। चेटीचंड सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार का स्वरूप दिया जाए, ऐसा ज्ञापन जिलाधिकारी जी को विजय शर्मा, अर्जुन चांदवानी, शंकर पमनानी, चंद्रकांत दामानी, प्रवीण गिरी व अनिल साहू द्वारा दिया गया। सिंधी समाज यह भारत में एक प्रगतिशील उद्योजक समाज के नाम से जाना जाता है। बंटवारे के बाद जब यह समाज भारत में पूरी तरह आ चुका था, पूरा अपना पाकिस्तान में जमीन जायदाद वर्तमान भारत उस समय के भारत में छोड़कर पूरा त्याग कर अपनी जमीन जायदाद जब यहाँ पर आया, आने के बाद बड़ी ही गरीबी परिस्थिति से इन्होंने मेहनत करके अपने आप को इस व्यावसायिक क्षेत्र में झोंक दिया। आज उस समय की इनकी मेहनत भारत के राष्ट्र के प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना दुख सहन करने के बाद यह समाज जब उठकर ऊपर आया तो आज इनका जो पावन पर्व है चेटीचंड, उस चेटीचंड पावन पर्व पर विभिन्न समाज के जितने भी पर्व है सब पर राष्ट्रीय अवकाश है, उनके राष्ट्रीय पर्व घोषित है, लेकिन सिंधी समाज का चेटीचंड या राष्ट्रीय पर्व अभी तक घोषित हुआ नहीं है। हम लोग आज कलेक्टर साहब से मांग करने आए हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम अमरावती जिले में इस पर्व पर छुट्टी घोषित करें एवं केंद्र सरकार से भी आग्रह करें कि यह राष्ट्रीय पर्व घोषित कर इस समाज ने जो बलिदान दिया है उसकी आप संज्ञान लेकर तुरंत आने वाले चेटीचंड पे छुट्टी घोषित करें। चंद घंटों बाद AIE की परीक्षाएं शुरू होगी। इस परीक्षा को लेकर भारी मात्रा में छात्र महानगर पहुंचेंगे, यह बात ध्यान में रखकर सभी समाजसेवी संगठनाएं इन छात्राओं का प्रबंध करें, ऐसी अपील जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल कर रहे हैं। अमरावती शहर में रविवार को काफी विद्यार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने, कॉम्पिटिशन की इंजीनियरिंग वगैरह। शहर में लॉ होटल नहीं होने से जो समस्या है, पहले हमें खाजगी संस्था, सेवाभावी संस्था, हॉल, मंगल कार्यालय के मालकों को प्रेस के माध्यम से विनती की है, जो कल पेपर में भी आएगा, कि आप अपनी तरफ से इनको रियायती दरों पर जो विद्यार्थी एक दिन के लिए हमारे शहर में आ रहे हैं वो कहीं रोड पे ना सोए, उनको बेकार का खाना खाए, बीमार ना पड़ना पड़े, इसके लिए मानवतावादी दृष्टिकोण से मदद करें। कलेक्टर ने भी आह्वान किया है और कायदा सुव्यवस्था या कोई ऐसी समस्या नहीं हो इसके लिए हम उनकी पूरी मदद करें। ज्यादा लड़के नए आ रहे हैं शहर में, मदद करने में फिर से सभी यंत्रणा को भी आह्वान करता हूँ। महानगर में पार्किंग की जगह हड़प करने वाले प्रतिष्ठान एवं अवैध निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाने का मूड अब महानगर पालिका प्रशासन ने बनाया है। महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता सुसज्ज है, सिर्फ महानगर पालिका आयुक्त की औपचारिक आदेश होना बाकी है, ऐसा महकमा बता रहा है। लेकिन यह कार्रवाई होगी या कार्रवाई का दिखावा ही किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमरावती महानगर पालिका के जोन कार्यालय नंबर 2 द्वारा शहर कोतवाली पुलिस थाने में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में 2 बार नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण करने का आरोप तखतमल श्रीवल्लभ ट्रस्ट के 2 मंजिल पर हो रहे निर्माण कार्य पर लगाया है। उसी तरह नमूना गली में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत का पुनर्निर्माण भी हो रहा है और इस निर्माण को भी मनपा महकमे ने अवैध करार देकर तोड़ू कार्रवाई से आगाह करवाया है। संबंधितों को नोटिस थमाए जा चुके हैं, बस मनपा आयुक्त के आदेश की राह देखी जा रही है। मनपा आयुक्त डोंगरे के आदेश मिलते ही इन तमाम अवैध निर्माण वाले इमारतों पर मनपा का तोड़ू दस्ता बुलडोजर चला देगा, ऐसी जानकारी है।
जानकारी ये भी है कि शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित रेस्टोरेंट की चार मंजिला इमारत जयस्तंभ चौराहे से लेकर सरोज तक के कईयों प्रतिष्ठान जिनमें कईयों कपड़ों की दुकानों का समावेश है तथा सरोज चौक के एक होटल मोची गली की तीन दुकानें भी तोड़ू दस्ते के लिस्ट में है। जल्दी ही इन दुकानों को ढहा दिया जाएगा, ऐसी हलचले मनपा गलियारों में देखी जा रही है। मनपा का तोड़ू दस्ता जल्द ही पुलिस सुरक्षा के बीच ये सारे के सारे अवैध निर्माण भूई सपाट कर देगा। मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे ने जब मनपा की बागडोर संभाली तब से अब तक उनके निर्णय सराहनीय रहे हैं। एलबीटी वसूली में भी मनपा का जवाब नहीं, ऐसे कई फैसले मनपा और शहर के हित में वे ले चुके हैं। अरुण डोंगरे अब अवैध निर्माण को लेकर कितने सख्त कदम उठाते हैं इस पर भी नजरें टकी है। अब तक कईयों बार इन सारे दुकानों को नोटिसेस अदा किए गए हैं, लेकिन नोटिस देने के बाद सभी मैनेज हो जाते हैं ऐसा दिखते आया है। लेकिन अब क्या होता है ये भी देखते हैं कि कर्तव्य के प्रति कितने खरे उतरते हैं मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे। तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगाने की सूचना केवल नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के दर्शकों के लिए है। नागपुर के अलावा अमरावती सहित विदर्भ भर के दर्शक बिना सेट टॉप बॉक्स लगाए ही केबल प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। इसलिए डिजिटल सेट टॉप बॉक्स को लेकर फैले असमंजस को दूर करें और बेफिक्र होकर सितंबर 2014 तक केबल प्रसारण का लुत्फ उठाएं। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। लोक स्वराज्य आंदोलन द्वारा आयोजित मातंग आरक्षण हक परिषद का आयोजन शुक्रवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। एडवोकेट दिलीप एडतकर रामचंद्र भरोड़े के प्रमुख उपस्थिति में यह मातंग हक आरक्षण का आंदोलन संपन्न हुआ। इस परिषद में मातंगों के विकास के लिए आरक्षण की तरतूद करने की मांग की गई है। मातंग समाज के असंख्य नागरिक इस मातंग आरक्षण हक परिषद में शामिल थे। विधायक रवि राणा ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर अमरावती जिले के रेती गिट्टी बोल्डर व्यापारियों की मांगे तुरंत मान ली जाए ऐसा पक्ष रखा। रेती गिट्टी बोल्डर विक्रेताओं ने जो चर्चा की है वह संयुक्तिक है, इसलिए इन विक्रेताओं की मांगे तुरंत मान ली जाए ऐसी पुरजोर मांग रवि राणा ने की है। आज जिला अधिकारी कार्यालय में बैठक होती, बैठकी महत्वाचार विषय होता की ज्यादा अमरावती शहरा मध्य जे बेरोजगार जे ड्रायव्हर आहे, ड्रायव्हर आणि ट्रकचे मालक आहे, या सगळ्यांच्याच पोटावर लात मारल्यासारखं या 8-9 दिवसामध्ये झालं होतं की रेती गिट्टी बोल्डरचे जे ट्रक चालतात त्याच्यामध्ये अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार करतात, अनेक खालच्या अधिकारी पेनॉल्टी मारतात, वेगळ्या प्रकारच्या पेनॉल्टी मारून पैसे खातात आणि अनेक गाड्या त्यांनी वेगवेगळ्या एरियामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये, तहसीलमध्ये, RIच्या ऑफिसमध्ये अशा ठिकाणी गाड्या उभ्या केल्या आणि 8-10 दिवसामधून ज्या गाड्या उभ्या केल्या त्या लोकांची 8-10 दिवसाची रोजंदारी आणि त्यांची रोजीरोटी डुबत आहे। या उद्देशाने जिल्हाधिकारी समक्ष बैठक झाली, जिल्हाधिकाऱ्याने नवीन आदेश दिले, SDOला आदेश दिले, तहसीलदाराला दिले, SP ग्रामीण यांना दिले, PI लेवलवर दिले, चांदूर बाजार SDO तहसीलदाराला दिले, अमरावती SDO तहसीलदाराला दिले, पटवारी RI सगळ्यांना आदेश दिले की नियमानुसार ज्या गाड्या चालवत आहेत त्याच्यावर कारवाई करू नये आणि गाडीचं टायमिंगसुद्धा ज्या एखादी गाडी खराब झाली किंवा एखाद्या गाडी पंक्चर झाली तर घंटा 2 घंटे गाड्या 4 घंटे आमागापुढे होतात तर त्यांना थोडीसं सहयोग केले पाहिजे। त्या उद्देशानं ही बैठक होती आणि आज उद्यापासून सगळ्या रेटी गिट्टी बोल्डरचे ट्रक नियमानुसार काम करतील, त्यांची रोजंदारी पुन्हा चालू होईल,
आणि आज कलेक्टर साहेबांनी खऱ्या अर्थानं या सगळ्या लोकांना न्याय दिला, त्याबद्दल जिल्हाधिकारी साहेबांचं या सगळ्याच्या वतीनं अभिनंदन करतो, धन्यवाद म्हणतो. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा काही यांच्या अडचणी असल्या तर स्वाभिमानी संघटना यांच्यासोबत उभी आहे. आणि ज्या लोकांना चलाना मारलेले आहे 18-18, 20-20 हजार रुपये, त्यांचं उद्या SDO साहेबाकडे अपील आहे. अपील झाल्याबरोबर ताबडतोब जे की त्यांना निशुल्क आधारला जाईल त्याच्यावर त्यांची पैसे भरून ते पुन्हा ट्रक सोडून त्यांच्यावरही त्यांची ट्रकचं काम सुरू होईल या उद्देशाने मिटिंग. इरविन चौराहे स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मृति स्थल से सटे पेट की छटाई शुक्रवार को की गई. बड़े दिनों से इस पेट को छाटने की मांग हो रही थी, वह अब जाकर पूरी हो पाई है. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अवघ्या काही दिवसावर येऊन ठेपलेली आहे आणि त्यानिमित्ताने या ठिकाणी चिंचेचे मोठे झाड होते, त्याच्या सर्व फांद्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेहऱ्यावर येत होत्या, त्यामुळे बाबासाहेबांचं दर्शन दुरून लोकांना होत नव्हतं. त्याकरिता आम्ही मनपामधील काही नगरसेवकांनी उद्यान विभागाला अशी नम्र विनंती केली की 14 एप्रिलच्या पूर्वी या झाडाच्या फांद्या आपण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेहऱ्यावर येत आहे त्या छाटून या चौकाचं सौंदर्यीकरण वाढवावं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं दर्शन दुरून येणाऱ्या लोकांना व्हावं याकरिता मनपाला आम्ही एक पत्र दिलं आणि त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक माननीय प्रमोदजी येवतीकर यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी सर्व टीम उपलब्ध करून दिली. गौड ब्राह्मण महिला समिति द्वारा आयोजित भव्य सामूहिक बिंदोरा का आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ. घंटाघर हनुमान मंदिर में इस सामूहिक बिंदोरा समारोह का आयोजन किया गया था. गण गौरव तथा महिला सजावट संपूर्ण राजस्थानी श्रृंगारित महिला राजस्थानी झांकियां यों गणगौर बिंदोरा शोभा यात्रा का आयोजन इस अवसर पर किया गया था. राजस्थानी समाज की असंख्य महिलाएं सहर्ष इस समारोह में शामिल हुई थी. और ये हमारा पूरा मेला मंडल है और भी हमारे सदस्य हैं जिन लोगों की आज ये पूरा मेहनत है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सीडी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. तो आइए देखते हैं आज का ये कार्टून क्या कहता है. फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं. दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है. देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना. कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबर पर. शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस. शुक्रवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 28% आका गया. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.
आइए देखते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। हम स्वयं को मानव जाति का हिस्सा समझते हैं, परंतु हम देखें कि हम किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। तो आज के न्यूज बुलेटिन में आप देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है, जिससे हमें खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो देखते हैं आज के इस फनी वीडियो में। आपके पास भी ऐसे कुछ फनी वीडियोस हो तो तुरंत हमें भेज दे। आपके द्वारा भेजे गए सभी वीडियो प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। हमें आपके द्वारा भेजे गए वीडियो का इंतजार रहेगा। तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से नजर डालेंगे बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन 77 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 2570326। आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और बुलेटिन देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है India Bulls Home Loans.